नमस्कार साथियों, मैं अरविंद चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे ऑफिशियल चैनल पेपर हैकर में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, क्लास 10th NCERT पढ़ते हैं CBSE का। उसमें हम लोग 7.1 कर रहे हैं, उसका 8th क्वेश्चन मैं आपके लिए आज इस वीडियो में लेके आया हूँ। बहुत आसानी से समझेंगे, हाथ पैन में कॉपी रखेंगे, हाथ रखेंगे, पेन रखेंगे, जो रखना है मुझे नहीं पता, बस समझना है आपको अच्छे से और इसको अपने कॉपी पर सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले वीडियो पे और लेके आया हूँ मैं आपके लिए 7.1 का 8th क्वेश्चन। ठीक है ना, इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे हमारे चैनल को और जुड़े रहेंगे हम लोगों से हर वीडियो के लिए। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विद द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -3 एंड दिस 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 एंड दिस। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत आसान है। ठीक है ना, मैं आपको समझाऊंगा पूरा कॉन्सेप्ट कह कह रहा है क्वेश्चन में। बेटा क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पॉइंट्स है बेटा, ठीक है, दो पॉइंट है, ओके, और एक तीसरा पॉइंट है। इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं पॉइंट को, ओके, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं। दिख पा रहा है बेटा आपको वीडियो में? बिल्कुल दिख पा रहा है, ओके। तो होना करना क्या है कि फाइंड द वैल्यू वाई फॉर विद द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस 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 दिस। ठीक है, इसको छोड़ो फिर, इसको छोड़ो बेटा, ओके। करना क्या है आपको, दो पॉइंट दिए, इसकी वैल्यू बेटा दी है 2, -3 और इसकी वैल्यू आपको दी है बेटा 10, y, ओके। इसकी वैल्यू आपको 10, y दी है। आपसे कह रहा है कि ये दोनों क्या है बेटा, कितने डिस्टेंस पर है, 10 यूनिट्स पर। तो अब तक हमने जो सीखा है एक क्वेश्चंस में, हमने ये सीखा है हमें पॉइंट्स दिए होते थे, हमें बीच में डिस्टेंस निकालना होता था। लेकिन इस पर इस एग्जामिनर ने क्या किया है, उल्टा कर दिया है, हमें डिस्टेंस दे दिया है और बीच के जो वाई की वैल्यू है वो फाइंड करना है, पॉइंट निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस हमें गिवन है तो करना हमें उसी कॉन्सेप्ट से जैसे पिछले क्वेश्चंस किए हैं, पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं उसको, और आराम से इसको क्वेश्चन को करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल ईजिली वे में समझने वाले हैं इसको। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर मैं डायग्राम ले लेता हूँ बेटा इसका, और यहाँ से मैं आपको बहुत ही आसान वे में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। दो पॉइंट से बच्चे, बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चों, दो, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं बेटा, 10, y, ओके, 10, y, और एक के कोऑर्डिनेट्स है 2, -3। बहुत ही इजी, मैं आपसे कहता हूं कि कुछ ज्यादा ना सोचने के बजाय आप सिंपली क्या लगाइए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। होता क्या है बेटा, x2 - बेटा फॉर्मूला लिखने में बिल्कुल ना शर्माए, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला जितनी बार अपने हाथों से लिखते हैं कॉपी पर तो होता क्या है, आपकी प्रैक्टिस में वो हेल्प करता है, आपको याद ज़्यादा टाइम तक रह जाए। तो बेटा किसी को भी x2 मान लेते हैं, 2 को मान लेते हैं, या फिर y को, इसको मान लेते हैं x2 बेटो, क्योंकि y आ रहा है तो y ले लेते हैं, ले बेटा किसी को भी सकते हैं। आप ये मत कहना सर आपने, अभी हर इंसान अलग अलग, दो ही तो पॉइंट है, अब एक दूसरा ले लेगा, दूसरा दूसरा ले लेगा, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, मैं इसको ले लेता हूँ। चलिए तो क्या आएगा, x2 - x1 मतलब कि 10 - 2 का होल स्क्वायर। सर क्या किया आपने बेटा, ये x2 है, ठीक है, ये x1 है, ओके, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर कर दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, अपना दिमाग तो इसमें लगाना ही नहीं है, जैसा फॉर्मूला कह रहा है वैसा करते जाओ। y2 - y1 कितना होगा बेटा, y माइनस बेटा -3 पहले से है तो ब्रैकेट में रख लेंगे इसको, माइनस को ब्रैकेट में रखना बहुत ज़रूरी है, कभी कभी तो आंसर ठीक आ जाता है लेकिन कभी कभी ये दिक्कत दे जाता है माइनस का साइन, ठीक है, तो इससे बच के रहना है, मैं हमेशा ब्रैकेट में रखना होता है। तो होगा क्या, यहाँ से सॉल्व करके बेटा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, 10 - 2 बेटा कितना होता है 8, 8 का स्क्वायर बच्चे कितना होगा 64, और यहाँ पर कितना बन जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस होता है, वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, ओके। सर ये तो सॉल्व हो गया लेकिन वो सर 10 दिया था यूनिट, उसका क्या यूज है। तो बेटा मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम ये निकाल क्या रहे हैं, हम ये निकाल क्या रहे हैं, हमें डिस्टेंस निकालना है बच्चे, तो डिस्टेंस ही तो हमें 10 दिया हुआ है हर बार भाई, डिस्टेंस ही तो बेटा हमें 10 यूनिट्स दिया हुआ है वहाँ पर, तो हमने यहाँ पर 10 लगा दिया। अब करना क्या होगा यहाँ से, अब हमें ये रूट दिक्कत कर रहा है सर, ये रूट हमें दिक्कत कर रहा है, तो कोई बात नहीं बेटा, इसका क्या करेंगे हम, इसका भी सोल्यूशन निकाल देंगे। इस क्या करेंगे आप भाई, SBS जो पुरानी वीडियो देख चुका है वो तुरंत कहेगा सर क्या होता है ये, SBS का मतलब क्या है बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर तो रूट है नहीं, तो यहाँ पर रूट नहीं है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 100, और यहाँ पर क्या होगा, रूट हट जाएगा
तो सिर्फ और सिर्फ ये आ जाएगा 64 प्लस वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर। ओके ठीक है ना, आपको समझ में आ गई ये बात, वाई प्लस थ्री का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा इसको, ये 64 इधर चला जाएगा तो कितना जाएगा बेटा 36, माइनस कर दिया बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपना भी, 36 आएगा यहाँ से, वाई प्लस थ्री की वैल्यू आ गई। अब एक बच्चा क्या करेगा, बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक करने वाला है यहाँ पर, वो इस होल स्क्वायर को खोल देगा बेटा, वाई स्क्वायर प्लस थ्री नाइन प्लस सिक्स वाई आ जाएगा उसका। ये काम बिल्कुल नहीं करना है जब आप, और करना कब है, करना कब नहीं है यही मैं बताता हूँ आपको। जब यहाँ पर आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है 36, तब इसका होल स्क्वायर नहीं खोलना है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा कोई नंबर मिलता है यहाँ पर जो होल स्क्वायर नहीं हो पा रहा, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जब आपको 36 मिल रहा है, तो आप सीधे यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट, ओके टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे बेटा दोनों तरफ। बेटा जब इसका रूट लेंगे तो कितना आएगा, इसको मैं तो लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, 36 का रूट कितना जाएगा बेटा, प्लस माइनस सिक्स, प्लस माइनस सिक्स, और यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, वाई प्लस थ्री। आपने सर इधर क्यों लिख दिया बेटा, कुछ नहीं है, वो वेरिएबल है, तो वेरिएबल हम ज्यादातर लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, तो यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। तो होगा क्या, अब बेटा दो वैल्यूज आएंगे यहाँ से, आपकी बेटा इक्वेशन बनी है वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू प्लस माइनस सिक्स। अब एक बार आप पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि आप निगलेक्ट नहीं कर सकते माइनस की वैल्यू, क्योंकि हमारा जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, इसमें प्लस का भी सिक्स होता है, माइनस का सिक्स भी होता है, डिस्टेंस कभी प्लस माइनस में आता है, तब आप माइनस की साइड को कैंसिल आउट कर देते हैं, बोले छोड़िए सर डिस्टेंस कभी निगेटिव हो नहीं सकता। लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, तो वहां पर माइनस की वैल्यू भी कंसिडर की जाती है, तो आप कट नहीं कर सकते इसको, तो आपको एक बार पॉजिटिव लेनी पड़ेगी वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स, और एक बार इसकी वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस सिक्स। ओके अगर आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे, वाई इक्वल टू बेटा क्या आएगा, सिक्स माइनस थ्री, वाई इक्वल टू बच्चे आएगा थ्री, ओके। और यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है बच्चों, माइनस सिक्स और माइनस थ्री वहां चला जाएगा, तो कितना बनेगा बेटा यहाँ से, माइनस का नाइन। हमने बेटा पॉइंट माना क्या था, पॉइंट हमारा है क्या बेटा, टेन कॉमा वाई, हमारा पॉइंट है टेन कॉमा वाई, तो हमारा बेटा पॉइंट आया क्या है, टेन कॉमा टेन कॉमा, मतलब दो पॉइंट बनेंगे बेटा, कौन कौन से बनेंगे, जो वैल्यूज आएंगे ना यहाँ हमारी, वो ही पुट कर देंगे बेटा, क्या वैल्यूज आएंगे, थ्री और माइनस नाइन, तो एक पॉइंट हो जाएगा टेन कॉमा थ्री और एक पॉइंट हो जाएगा टेन कॉमा नाइन। यही दो पॉइंट पॉसिबल हैं, अगर दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस टेन है और यहाँ पर ये टू कॉमा माइनस थ्री लिया हुआ है, तो सिर्फ दो ही पॉइंट कंसिडर किए जा सकते हैं यहाँ पर, एक टेन कॉमा थ्री और एक टेन कॉमा माइनस नाइन। तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट जरूर लिखिएगा कि आपको ये क्वेश्चन किस तरीके, कितना लेवल तक समझ में आया, अगर ये हार्ड लगा या इजी लगा, सब कुछ बताएंगे आप, ठीक है ना। हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और इस वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।